हमने कहा था अनिरुद्ध है इधर? यस सर, यस सर। आवाज आ रही है। कहाँ से कर लिया था बताओ जरा। So strictly increasing and strictly decreasing. Strictly increasing and strictly decreasing. मैंने ये बताया था, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ एस एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ एस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। आज वैसे टेस्ट लेना था, ठीक है। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास हमारी होगी नेक्स्ट वीक। अच्छा, 16 को होगी ना? हाँ, 16 को। आप मुझे चैप्टर नोट करो अपना, इन्वर्स ट्रिगो एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन दोनों चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो। ठीक है सर, मेरा मिड टर्म भी 29th को है, इसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया आपके चैप्टर? सर हो तो गया, बस टेस्ट ले लूंगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। इनवर्स ट्रिगो एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों चैप्टर का आप मुझे 16th को टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। मेरा भी ठीक है। चलो, ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ एक्स क्या होता है? लेस देन जीरो, ठीक है। एंड ये फंक्शन कैसा है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो होता है। अनिरुद्ध, तो आपने जो क्लास मिस की थी वो देख ली थी? हाँ सर। उसके बाद वो जो नोट करके लिख के सारे सब नोट करने हैं और लिख के मुझे भेजने हैं। नोट कर लिया ऑलरेडी, पता ही नहीं लगेगा आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। ऑलरेडी नोटेड है सर, अभी भेज सकता हूँ। आगे से जब भी देखते हैं भेजा करो। देखो बच्चों, अगर कोई फंक्शन है, जैसे कि क्वेश्चन 4th एक्सरसाइज है ये आपकी, कौन सी एक्सरसाइज है? 6.2 क्वेश्चन 4th। यहाँ पर हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x माइनस 3, ठीक है। देखो, कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, जैसे कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है? अगर इस फंक्शन को आप देखेंगे, सपोज दिस इज एनी x1 पॉइंट, x1 से पहले ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, राइट। x1 पॉइंट तक ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर हम x1 से थोड़ा सा पहले देखना स्टार्ट करें तो x1 पॉइंट तक ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और x1 के बाद में ये फंक्शन कैसा हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है। x1 पॉइंट पे ये फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर मैं इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रा करता हूं तो टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है? जीरो।
अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। मतलब ये जो मैंने टेंजेंट ड्रा किया, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? जीरो। एक्स वन पॉइंट पे इस कर्व के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? जीरो। ठीक है, एंड मैंने आपको पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में बताया होगा कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डीवाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या किसी बच्चे को पता है? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, बच्चों ज्योमेट्रिकली डीवाई बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। ज्योमेट्रिकली डीवाई बाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन का स्लोप तो जीरो है, तो इस लाइन के लिए डीवाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, इस लाइन के लिए डीवाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। अगर आप इस कर्व को, ये जो कर्व है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो डीवाई बाई डी एक्स आएगा वो इसके टेंजेंट का स्लोप होगा। मान लो ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? माइनस टू एक्स। ये माइनस टू क्या है? स्लोप। किसका स्लोप? इस कर्व पे आप एक पॉइंट बनाओ, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, इस टेंजेंट का जो स्लोप है इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करने से इसके टेंजेंट का स्लोप आएगा। डिफ्रेंशिएट आपने कर्व को किया है, कर्व की इक्वेशन को किया है, इससे स्लोप किसका आएगा? इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप आएगा। ये जो आपको ए बी सी लाइन दिखाई दे रही है, इस ए बी सी लाइन का स्लोप आएगा। डिफ्रेंशिएट आपने कर्व की इक्वेशन को किया तो इससे कर्व के टेंजेंट का स्लोप आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आप इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो डीवाई बाई डी एक्स आएगा वो उसके टेंजेंट का स्लोप होगा। अगर हम एक्स वन पॉइंट पे इसका टेंजेंट देखें, इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस का स्लोप जीरो होता है, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा? जीरो, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स जीरो होगा। एट एक्स वन पॉइंट इस कर्व का जो डीवाई बाई डी एक्स है वो जीरो होगा। ठीक है, और एक बात और देखो, इस पॉइंट के बाद एक्स वन के बाद कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो गया। इंक्रीजिंग कर्व के लिए डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग के लिए डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव होता है, और एक बार बीच में क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, मतलब कर्व जहां पर डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है उस जगह क्या होता है? उस जगह पर कर्व या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो जाता है या फिर इंक्रीजिंग से या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो सकता है। जिस पॉइंट पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है उसके बाद कर्व इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो सकता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो सकता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है उस पॉइंट से कर्व या तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो जाता है या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है, हमें ये पता है। अब इस देखो, इस फंक्शन की बात करें, मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जीरो से दिस इज एनी पॉइंट ए, जीरो से ए के बीच में आपको बताना है कि ये कर्व कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। अब जीरो से ए के बीच में सपोज ये एक्स वन पॉइंट है, ये एक्स टू पॉइंट है, ये एक्स थ्री पॉइंट है और ये एक्स फोर पॉइंट एंड दिस इज ए। तो जीरो से इंक्रीज ए के बीच की बात करें तो जीरो से एक्स वन, जीरो से एक्स वन ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
एक्स वन से एक्स टू ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। एक्स टू से एक्स थ्री इस इंटरवल पे ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक्स थ्री से एक्स फोर ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। एक्स फोर से ए तक ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो ये तो हो गया इंटरवल सेपरेट कर दिया हमने कहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। अब एक बात देखो, इंक्रीजिंग कर्व के लिए डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है और ये क्योंकि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। फिर इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव, फिर डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, यानी कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा इस पॉइंट पे, एक्स वन पॉइंट पे। एक्स टू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो आएगा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो आएगा। समझ रहे हो? अब एक बात देखो, जीरो से एक्स वन तक डी वाई बाई डी एक्स का, ये डी वाई बाई डी एक्स का साइन है। जीरो से एक्स वन तक डी वाई बाई डी एक्स का साइन कैसा था? पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। यस सर। मतलब जिस इंटरवल पे डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव हो वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जिस इंटरवल पे डी वाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव हो वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। और इन दोनों के बीच में एक बार जीरो जरूर बनता है डी वाई बाई डी एक्स। जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है और एक बार डी वाई बाई डी एक्स जीरो जरूर बनता है। ये बात समझ में आई? देवेश बताओ मैंने क्या बोला, रिपीट करो। सर ये समझ में नहीं आया। किसको समझ आया? सर एक क्वेश्चन है, पहले जो मैंने पूछा उसका आंसर दो, फिर बाद में आपका क्वेश्चन। हाँ सर आ गया समझ। बताओ कौन बताएगा? सर आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने जो समझाया वो समझ आ गया? हाँ मैंने क्वेश्चन बताओ क्या समझाया सर। आपने बताया कि अगर आप fx एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो जिसकी जो वैल्यू आती है वो स्लोप होती है, और अगर फंक्शन जब इंटरवल्स के बीच स्विच और डिक्रीज और इंक्रीज होता है उस वैल्यू पे उसका टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है, और दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो अगर आपका दूसरे वाला एग्जाम्पल पे इसमें बहुत सारे एक्स है, उसमें अगर जीरो से एक्स वन पे स्टार्ट करते हैं तो उसका स्लोप इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। आपको कैसे तो पहले डी वाई बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट कर्व का टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकंड वाले एग्जांपल में अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो है तो उसका स्लोप भी जीरो होगा, एंड नेगेटिव साइन आया डी वाई बाई डी एक्स का तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसमें जीरो टू एक्स वन में क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, x1 टू x2 में डी वाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव होगा। जिस इंटरवल पे डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यस, या जहां पर फंक्शन जिस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है वहां डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा उल्टा, और जिस इंटरवल पे डी वाई बाई डी फंक्शन डिक्रीजिंग है वहां डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव। जिस इंटरवल पे डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिस इंटरवल पे डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब जैसे इस पे आप देखोगे एक्स टू से एक्स थ्री को देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, डी वाई फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स इस इंटरवल पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। एक्स टू से एक्स थ्री फंक्शन डिक्रीजिंग है आपको डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव मिलेगा, एक्स फोर से ए तक डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। देखो अनिरुद्ध आपका क्वेश्चन क्या था?
अगर बस एक्स जीरो टू एक्स वन के बीच में एक पॉइंट का डेरिवेटिव होगा तो वो क्या काउंट होगा? बट आई थिंक अब से बोलो। गया, बस एक पॉइंट का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या? नॉट पूरा एक कर्व, बस एक पॉइंट का, तो वो कैसे का पता चलेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कभी किसी पॉइंट पे नहीं हो सकता कोई फंक्शन। जैसे आप इस पॉइंट पे फंक्शन को देखो ग्राफ, तो इस पॉइंट पे तो एक वैल्यू आएगी फंक्शन की, हाँ इस वही पॉइंट पूछ रहा था। कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थोड़े होता है। हाँ सर, एक पूरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ को देखो, इस पूरे इंटरवल पे यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे इंटरवल फंक्शन अगर ऐसे है तो इंक्रीजिंग है, ऐसे होता तो डिक्रीजिंग हो जाता। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी पॉइंट पे नहीं होता, एक इंटरवल पे होता है। देवेश आपको क्या समझ नहीं आया बताओ। सर नहीं आ गया समझ में कि जब इंक्रीज होगा तब डब डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा तब पॉजिटिव साइन आएगा, और डी वाई बाई डी जब एक्स डिक्रीज हो रहा हो तब। पॉजिटिव, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस सर। डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव या जीरो, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, बट स्ट्रिक्टली नहीं होगा। पिछली बार मैंने ये डिफरेंस समझाया था। ठीक है सर। डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीज। ठीक है सर। डी वाई बाई डी एक्स इज आइदर लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, एफ एक्स तो इज, डिक्रीज है। समझ गए। ये चार यस पॉइंट सर। याद, और ये इफ एंड ओनली इफ के रिजल्ट होते हैं, मतलब उल्टा भी इसका ट्रू होगा। ठीक है, यस। जैसे हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x, एफ डैश एक्स कितना हो गया, ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये देखना है हमें। हमें एक बात पता है कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है तो उसका स्लोप जरूर जीरो होता है। ठीक है, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। हम ये देखते हैं पहले इस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स कहाँ जीरो है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, 4x - 3 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 3/4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 3/4। 3/4 पे ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा, या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जाएगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन जाएगा। देखो ये हमारी कंप्लीट नंबर लाइन है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इस पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करेगा। ठीक है, इस पॉइंट ने क्या बना दिया, दो इंटरवल बना दिए पूरी नंबर लाइन के। क्या कर दिया, इस पॉइंट ने पूरी नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम ये देखते हैं, देखो एक इंटरवल तो बना -∞ से 3/4, दूसरा इंटरवल बना 3/4 से इन्फिनिटी तक। हम ये देखते हैं पहले इस इंटरवल को देते हैं -∞ टू 3/4। इस इंटरवल पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि एफ डैश एक्स ये बताता है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम इस इंटरवल पे ये देखना चाहते हैं कि एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस इंटरवल का एक पॉइंट लो, इस इंटरवल का एक पॉइंट लो, जैसे 3/4 है, इसके इधर जीरो भी होगा लेफ्ट यस साइड में। सर।
इस इंटरवल का एक पॉइंट लो और उसको एफ डैश एक्स में डालो, जैसे आपने जीरो डाला, एफ डैश जीरो निकाला, ये तो ये आ गया फोर इंटू जीरो माइनस थ्री, माइनस थ्री आ गया ना, लेस देन जीरो, यानी कि एफ डैश जीरो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। देखो आपने पॉइंट कहाँ से लिया था, आपने पॉइंट लिया था माइनस इन्फिनिटी से थ्री बाई फोर, और वहां पर एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल का आप कोई जो भी मर्जी पॉइंट लोगे एफ डैश एक्स नेगेटिव ही आएगा। या आप और कोई पॉइंट लेके देख लो, जैसे कि माइनस वन ले लेते हैं, एफ ऑफ माइनस वन निकालोगे, एफ डैश ऑफ माइनस वन निकालोगे, एफ नहीं एफ डैश, यहाँ पर माइनस वन डाला तो ये माइनस फोर हो गया, माइनस फोर माइनस थ्री, देखो फिर से नेगेटिव। अगर एक पॉइंट पे किसी इंटरवल के एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स का जो साइन आया है, ठीक है, उस पूरे इंटरवल का कोई भी पॉइंट ले लो आप, साइन वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इंटरवल पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इस कंप्लीट इंटरवल पे एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। समझ आया आपको? यस। इसके बाद हम पॉइंट ले लेते हैं थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी, इसके बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर वन होगा, राइट हैंड साइड में पॉइंट क्या होगा, वन, वन के ऊपर आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, इस पॉइंट पे आप फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करो, एफ डैश वन क्या आएगा, एक्स के जगह वन डालो, फोर माइनस थ्री बन जाएगा, सर वन ही आएगा, वन आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल के ऊपर, इस इंटरवल का आपने एक पॉइंट लिया था वन, वन पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया है, इसका मीनिंग ये है इस पूरे इंटरवल पे एफ डैश एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्स बिलोंगिंग माइनस इंफिनिटी टू थ्री बाई फोर एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इम्प्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ आया आपको? इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एक्स बिलोंगिंग टू थ्री बाई फोर टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है, यानी कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। समझे? यस। आपको इंटरवल सेपरेट करना था जिस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, किस किस को समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? नहीं आया? आ गया सर। चलो आगे, नोट कर लिया सबने? यस सर। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है एफ एस एक्स फाइंड करो जरा, सभी को साथ साथ नोट करना है, अगर किसी का नोट नहीं हो रहा तो मुझे बता देंगे, मैं रुक जाऊंगा, मैं बीच में नोटबुक चेक करूंगा, ठीक है ना मन? यस सर। एफ डैश एक्स आपको मिल गया, उसके बाद क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना, मतलब टू इंटू
एक्स प्लस वन को जीरो पुट करना है। तो यहां से एक्स माइनस वन आ गया, ठीक है। माइनस वन हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, इसको नंबर लाइन पे बनाओ। दिस पॉइंट इज माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे सर, कोई भी पॉइंट, इस इंटरवल का एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि इधर होगा माइनस टू होगा, इधर माइनस टू को एफ डैश एक्स में डालना है, यहाँ डालना है, तो कितना आएगा, टू इंटू माइनस टू प्लस वन, टू इंटू माइनस वन माइनस टू आ गया, क्या आ गया, माइनस टू। माइनस टू मतलब नेगेटिव आ गया, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है नेगेटिव कैसे आया। अब इस राइट वाले इंटरवल का एक पॉइंट ले लो, राइट वाले इंटरवल का अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि राइट माइनस वन के राइट में जीरो होगा, जीरो हमने ले लिया और जीरो को इसमें डाला एफ डैश एक्स में, तो टू इंटू जीरो प्लस वन क्या आएगा, टू पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। ये जो माइनस और प्लस साइन आए हैं ये एफ डैश एक्स के साइन है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो है ये। इस कंप्लीट इंटरवल पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है एंड इस कंप्लीट इंटरवल पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, राइट। एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, एफ डैश एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नेगेटिव है एफ डैश एक्स, नेगेटिव है। और जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है वहां पर, जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है वहां फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज समझ गए। सेकंड पॉइंट है अनिरुद्ध, सेकंड इंटरवल कौन सा है, x belongs to minus 1 to positive infinity, fx is greater than f dash x is greater than 0, so it is strictly इंटरवल पे, इस इंटरवल पे f dash x कैसा है, greater than 0, तो fx क्या होगा, strictly increasing, ये तो ठीक है। कार्तिक एक बात बताओ, x belonging to minus infinity to minus one, अगर मैं इंटरवल को यहां से क्लोज कर देता हूं तो इस इंटरवल पे f dash x कैसा है, less than or equal to zero, it is just decreasing। देखो बच्चों, minus one से पहले तक के पॉइंट्स के लिए f dash x क्या था, नेगेटिव था, लेकिन माइनस वन यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स या तो नेगेटिव रहेगा या जीरो के इक्वल भी हो सकता है। जब एफ डैश एक्स किसी इंटरवल पे लेस देन और इक्वल टू जीरो हो तो फंक्शन कैसा होता है, व्हेन एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो देन फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग, जस्ट डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, बट वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता, जहां नहीं इधर, जहां हाँ सर, अगर मैं इंटरवल ले लेता हूं माइनस वन से इंफिनिटी तो क्या होगा, सर इंक्रीज है इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स, देखो वन के बाद एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा मोर है, इक्वल टू, लेकिन माइनस वन पे क्या है, ये माइनस वन, अभी माइनस वन पे क्या है, जीरो, तो एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है,
जीरो तो फिर इंक्रीजिंग होगा. एफएक्स कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग. एफएक्स इज इंक्रीजिंग, बट यहां पर एफएक्स को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं करेंगे. समझ आया आपको? समझ आया नहीं आया? आ गया सर. आ गया. एफ एक्स दिया आपको 10 माइनस 6 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये दिया. चलो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो.